मौलाना साहब, आपने किसी अजनबी को तो नहीं देखा कहीं आसपास? खुदा के घर में अजनबी नहीं होते। इस अजनबी से खतरा हो सकता है, ये एक हिंदुस्तानी जासूस है। तो भाई आपको क्या लगता है कि मेरे पास कोई एटम बम का नुस्खा है कि वो यहाँ आ जाएंगे? लेकिन अगर आपको कहीं भी आसपास कोई अजनबी दिखाई दे तो हमें इतना जरूर। यहाँ से निकलना मुश्किल है। किसने किस तरह दिया होगा यहाँ पैसे? मस्जिदें चंदू से बन रही हैं और मंदिर पाकिस्तान के खजाने से पैसे निकालकर मंदिर बन रहे हैं। और वफाकी वजीर कह रहा है जी ठीक है जी, बराए मजहबी उमूर भी कह रहा है जी बनेगा। मैंने कहा ठीक है, बनाओ तुम मंदिर। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रखते हैं। इस्लामी रियासत के अंदर काफिरों के लिए माबत और इबादतखाना नहीं बन सकता। तुमने किस असूल के तहत इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने का ऐलान? हम इस आर्डर को अपनी जूती के तलवे के ऊपर रखते हैं। ये इस्लामी रियासत है या मदीना की रियासत का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया? इस्लामाबाद जिसको इस्लाम के नाम पे आबाद किया गया, इस इस्लामी रियासत का पाया तहत दारुल खिलाफा ये मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारे बनाए गए, आज मंदिर बनाना चाहते हैं। इस्लाम तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का पाबंद है, मेरा और आपका रसूलुल्लाह से भी एक अहद है, मेरा और आपका अपने नबी के साथ भी तो एक मुआहदा है ना। अल्लज़ीना मक्कन्ना हूं फिल अर्ज़, अगर अल्लाह तुम्हें जमीन में इक्तदार और हुकूमत देगा तो तुम मंदिरों को ढा दोगे, तुम शिरक के अड्डों को ढा दोगे। ये अल्लाह के साथ हमारा मुआहदा या रसूलों और पैगंबरों का मुश्तरका इजमाई उम्मत है, इस बारे में किसी मसलक का इख्तलाफ नहीं। कहां गया महमूद गजनवी का फलसफा इस खत्ते में, जो सोमनाथ को तोड़ने के लिए आया था? वो हमारा हीरो है? हीरो नहीं रहा। अब राजा रंजीत सिंह हीरो है, अब राजा दाहिर हीरो है।